हमारे सांसद माननीय पशुपति नाथ सिंह जी और हमारे कद्दावर विधायक राज सिन्हा जी सर्व सम्मानित हैं, सारे लोग उनको सम्मान करते हैं। शहर के लुभी सर्कुलर रोड स्थित निजी होटल में भाजपा कार्यकर्ता विजय पांडे ने किया प्रेस वार्ता आयोजित, जिसमें भाजपा कार्यकर्ता विजय पांडे ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 400 पार लेकर आएगी, साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भाजपा पार्टी पूरे देश में कई केंद्रीय के साथ साथ स्थानीय योजनाओं को लेकर कार्य किया है, जैसे कि आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, गरीबों का मुफ्त अनाज, उज्ज्वला गैस योजना, कई अन्य योजना गरीबों के हित में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत किया है, जो निश्चित तौर पर कई गरीब लागू को इस योजना से लाभ मिला। इसीलिए इस बार पूरे देश में फिर से मोदी की सरकार बनने जा रही है। इसीलिए मैं धनबाद वासियों से अपील करना चाहता हूं कि अपना मतदान भाजपा प्रत्याशी और नरेंद्र मोदी जी का कमल छाप पर बटन दबाकर अधिक से अधिक मतों से विजय बनावे में। भारतीय जनता पार्टी एक सैद्धांतिक पार्टी है, जहां पे पार्टी को मां के रूप में माना जाता है। ये चुनाव, चूंकि मैं पिछले कुछ दिनों से मैं चुनाव में दौरे कर रहा हूं और मैंने देखा है कि इस चुनाव में अलग अलग तरह की बहुत सारी चर्चाएं चल रही हैं, बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं। ये चुनाव मां भारती के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव भारत माता के भविष्य का चुनाव है, ये चुनाव भारत ही भारत और अखंड भारत के भविष्य का चुनाव है। यह किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है, यह किसी व्यक्ति विशेष का चुनाव नहीं है। मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूं, हम सबको भारतीय जनता पार्टी मां के रूप में हमारी पार्टी है और जिस मां ने हर एक कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी पोजीशन पे हो, कभी और किसी भी रूप में हो, यदि मां दूध पिलाती है तो हर एक कार्यकर्ता का ये फर्ज है कि हर समय मां के उस कर्ज को चुकाए। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ इस बार विजय प्राप्त करेगी। अब की बार धनबाद में 5 लाख पार, 5 लाख के मार्जिन से हम लोग जीतेंगे। हर तरीके से, हर रूप में हमारी पार्टी यहाँ पे सफलता प्राप्त कर रही है। किसी को कोई क्वेश्चन है? आपके पार्टी में कुछ विवाद भी दिख रहा है? पार्टी में कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं, बाहरी भीतरी का बात हो रहा है, कोई बाहरी भीतरी नहीं है, सब भारत माँ के सपूत हैं। ये चुनाव भारत माता के नाम पे हो रही है, माँ भारती के नाम पे हो रही है, भारत के भविष्य के नाम पे हो रही है। ध्यान रखिए एक बात, 1857 में हम लोग एक बार एक लड़ाई में फ्लॉप हुए थे और हम 90 साल पीछे गए। आप केवल, आप सबको, जो भी धनबाद की जनता है, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं सबको विनम्र और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि केवल कमल का फूल, मोदी जी का नाम, मोदी जी का काम पे चुनाव होना है और हमारे प्रधानमंत्री जी को 400 पार भारी महत्व से विजय। हमारे सांसद माननीय पशुपति नाथ सिंह जी और हमारे कद्दावर विधायक राज सिन्हा जी सर्व सम्मानित हैं, सारे लोग उनको सम्मान करते हैं। बोल वचन जो है, बोल वचन प्रत्याशी के, वही तो लोगों के बीच में एक तरह तरह के हमारे प्रत्याशी, वो कुछ वीडियो में कुछ आगे पीछे हो रहा होगा, ऐसी कोई बात नहीं। हमारे प्रत्याशी सबके पास जाने का और सबसे आशीर्वाद लेने का कार्य कर रहे हैं, वहाँ भी जाएंगे और आशीर्वाद लेंगे और सारी समस्याओं का समाधान होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुख्य रूप से पार्टी हमारी माँ है, पार्टी ने, इस माँ ने सारे कार्यकर्ताओं को दूध पिलाने का कार्य किया है और इस माँ को सारे कार्यकर्ता वफादारी से माँ के साथ सहयोग करेंगे और हम लोग विजयी होंगे। बिल्कुल भारत के भविष्य का चुनाव। आप देखिए विगत 10 वर्षों में कितनी तरक्की हुई है, कितने सारे काम हुए हैं। विगत 70 वर्षों का भ्रष्टाचार देखिए कांग्रेस पार्टी का, विगत 70 वर्षों का कार्य और पिछले 10 वर्षों का कार्य। आप विश्व में, विश्व की एजेंसियां भी, जो कांग्रेस है, जेएमएम है, इंडी गठबंधन है, ठगबंधन जिसको बोल सकते हैं, विश्व की एजेंसियां लगी हुई हैं कि किस तरीके से मोदी जी को हटाओ, मोदी जी को हराओ।
ये किसी व्यक्ति विशेष किसी जाति विशेष क्या काम हुआ है, लेकिन जो कोई भी काम महंगाई है बेरोजगारी है बहुत तरह का भाई साहब भाजपा जो है वो जातिगत तौर पर ये वोट मांग रही है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, भाजपा सदैव विकास के नाम पे वोट मांगती है। क्या भाजपा विकास क्या काम हुआ 10 वर्षों में? बहुत सारे कार्य हुए। अभी देखिए, अभी जैसे 70 वर्ष के बुजुर्ग जो हैं उनके लिए आयुष्मान कार्ड दिया गया, रेलवे में आरक्षण खत्म कर दिया, हर एक व्यक्ति को आप देखिए जो भी जमा पूंजी होती है हर एक व्यक्ति भविष्य में रखता है और कब कहां से किस रूप में उन्हें बीमारी आती है और वो पैसे समाप्त हो जाते हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह सोचने का कार्य किया, वो देश के सपूत हैं, देश के पुत्र हैं। और हमारे यहाँ प्रतिनिधि माननीय ढुल्लू महतो जी जो हैं गरीब के नेता हैं, जनमानस के नेता हैं, आम जनता के नेता हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारा कंफ्यूजन है, बहुत सारे लोग बहुत सारे बातें कर रही हैं। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, ये हर एक व्यक्ति को जानना होगा। आपके कार्यकर्ता बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, मोदी जी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रत्याशी को कुछ पसंद नहीं कर रहे हैं, तो कैसे बैठाइएगा सामंजस्य? नहीं, ये जो है इसीलिए तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। वैसे हमारे कार्यकर्ताओं में किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं पार्टी उनके लिए माँ है, और इस माँ ने उन कार्यकर्ताओं को दूध पिलाया है। जो अपने माँ का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा संसार में। और हम लोग 5 लाख के मार्जिन से इस बार जीतेंगे, और ढुल्लू महतो जी विजयी होंगे, हमारे प्रधानमंत्री विजयी होंगे, और विश्व की जो शक्तियाँ लगी हुई हैं, ये केवल धनबाद का इलेक्शन, लोकल मुद्दों का इलेक्शन नहीं है, विश्व की जो शक्तियाँ लगी हुई हैं हमारे प्रधानमंत्री जी को हराने में, वो शक्तियाँ परास्त होंगी। विजय जी, आप क्योंकि जनसंपर्क भी कर रहे हैं, घूम भी रहे हैं अपने क्षेत्र में लोगों से, क्या समस्याएं आ रही है? समस्याएं यहाँ पे देखिए, समस्याएं लगी रहती है, बहुत सारे कार्य 10 वर्षों में हुए हैं और बहुत सारे कार्य करने हैं। जो भी समस्याएं आ रही है उसका निदान किया जाएगा, जो भी समस्याएं आ रही है उसको भविष्य में, पूर्व के हमारे माननीय सांसद श्री पशुपतिनाथ सिंह जी ने जो कार्य किए हैं उस कार्यों को आगे बढ़ाने का कार्य। पीएल सिंह के उत्तराधिकारी के तौर पर कोई बेदाग छवि आपकी पार्टी को नहीं भेटाया, कोई नहीं मिला? देखिए, हमारे पार्टी नेतृत्व ने, केंद्रीय नेतृत्व ने जिस तरीके का कार्य और जिस तरीके का उन्होंने निर्णय लिया है, ये बिल्कुल मुझे लगता है ढुल्लू महतो जी पर कोई आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं। 3 केस में तो 2 केस में तो सर सजा उन्होंने खुद जो है डिस्क्लोज किया है सभी जगहों पे, अखबार में छपा है। ठीक है, घोषणा पत्र उसमें भी ये जिक्र है। ठीक है, इन सारी विषयों के ऊपर विचार किया जाएगा। लेकिन केस तो अभी भी लंबित है, अकाउंट केस उन पर रहे आरोप, इन सारे विषयों पे जो है सो बिल्कुल विस्तृत चर्चा की जाएगी। लेकिन लड़ाई हो रही है बॉस, आप जो बोल रहे हैं ठीक है, आपकी बात से सब सहमत है, जनता भी समझ ले, लड़ाई प्रत्याशी को लेकर है, क्योंकि जेपी आंदोलन में जिन्होंने आंदोलन छेड़ी थी सरयू राय, उन्होंने भी आरोप लगाए भाजपा में बिगड़ चुके हैं। देखिए, सरयू राय जी वरिष्ठ नेता हैं, और माननीय पशुपतिनाथ सिंह जी धनबाद की राजनीति के भीष्म पितामह हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़े नेता हैं, इनके ऊपर मैं किसी भी तरीके का टिप्पणी नहीं। लेकिन अभी जो वीडियो